Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे न्यू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले जो फ्री सॉफ्टवेयर्स है, जैसे आपको मालूम इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी लोग पूछ रहे थे कि कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर रहेगा जो हम लोग एडिटिंग और वो सब कर सकते हैं। तो बहुत लोग मुझे बता रहे थे उसमें से रीपर है, केकवॉक है, जो मैं भी मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी तक मैंने उसका कोई वीडियो बनाया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ आज ज़रा देख लेते हैं केकवॉक। मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं किया केकवॉक, तो हम लोग ज़रा उसको डाउनलोड कर लेते हैं और आप लोग को भी अगर ज़रूरत पड़े तो शायद हेल्प कर सकता है। मुझे अभी तक मालूम नहीं है केकवॉक कितना फ्री है, क्या है। बहुत लोगों ने बोला है केकवॉक फ्री है और वो सोनार कंपनी से है, तो हम लोग जाके आज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने जो डेस्कटॉप है और चेक करते हैं हमारे डेस्कटॉप में कि ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री है कि नहीं। तो केकवॉक जो है फ्री डाउनलोड मैंने ऑलरेडी चेक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये है bandlab.com में, तो अभी हम जाते और ये है वो जो सॉफ्टवेयर बताया, तो इसमें कहीं पे भी फ्री मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग डाउनलोड दिया वो इधर, तो हम लोग करके देखते हैं इसका जो है और क्या क्या इसमें सब कुछ। तो केकवॉक बाय बैंडलैब इज़ फ्री, इधर लिखा हुआ है कि ये फ्री है। गेट द अवार्ड विनिंग डॉ नाउ। तो विंडोज़ 7 और हायर 64-bit ओनली। ये मेरा एक्चुअली 64-bit है विंडोज़ 10, तो ये डाउनलोड कर ले तो अभी मैं, और मैं डाउनलोड कर अपने डेस्कटॉप में। तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया ये। तो हम लोग शो फोल्डर, तो मेरा जो है ये रहा, मैं दो स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको ये होगा। अब इसको जो है मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और हम लोग ज़रा अभी इंस्टॉल कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं इसका अगर क्या क्या फैसिलिटीज़ है इसमें, हम लोग को क्या क्या फ्री मिल रहा है, और इसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। अब ये बता रहा है लॉगिन करने के लिए केकवॉक, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी लॉगिन करने के लिए बता रहे हैं, अभी हमारे पास तो आईडी नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो हम लोग साइन अप कर लेते हैं दोस्तों। तो ब्राउज़र में लेके चलते हैं इधर साइन अप करने के लिए। अभी मैं इधर डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ अपना नाम डीजेनियो और मेरा ईमेल djenio@gmail.com, जो आप लोग को भी मालूम है। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी साइन अप कर लेते हैं हम लोग। आई एम नॉट रॉबर्ट, क्लोज। तो ये है, मेरा यूज़र नेम डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक यूज़र नेम बना रहा हूँ djenio@dxb। मैं हमेशा dxb रखता हूँ क्योंकि मैं हूँ दुबई से, तो ये लोग बनाए इधर। मेरे को बोल रहा है कि मेक इट इजी फॉर योर फ्रेंड्स, तो एक फ़ोटो डाल देते हैं। वैसे भी इतना चिकना बंदा तो और कहीं मिलेगा नहीं आपको, शाहरुख खान और सलमान तो पीछे रह जाएगा मेरा फ़ोटो देख के। तो मेरा ऑलरेडी फ़ोटो इधर है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये रहा मेरा फ़ोटो। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, मज़ा आ गया, जवानी याद आ गई। चलो चलते आगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट म्यूजिकल जर्नी आर यू ऑन, हमसे पूछ रहे हैं कि आप आर्टिस्ट है, सोशल म्यूजिक म्यूजिशियन है कि फ़ैन है। अभी हम हियर टू मेक न्यू म्यूजिक और अपलोड माई एग्जिस्टिंग। अभी मैं हूँ आर्टिस्ट। अगर आप सोशल म्यूजिशियन, लाइक आई एम लुकिंग टू मीट अदर म्यूजिशियंस, अगर किसी और को मिलना चाहते हो तो म्यूजिक वाला है, तो उसमें कोलाब्रेशन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें पूछा, आई एम ज्वाइनिंग टू फॉलो माई फेवरेट आर्टिस्ट एंड डिस्कवर, तो फ़ैन भी बन सकते हो शाहरुख खान की मूवी की तरह। हम हैं आर्टिस्ट, तो हम लोग इसमें ऐड करते और ये ऐड हो गया और कंटिन्यू मारते। तो इसमें पूछ रहे हैं हम हमारे बारे में, वेदर यू आर म्यूजिशियन और अ फैन, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन हो फैन हो, हम आपसे सुनना चाहते हैं, और आप अपने बारे में बताइए और अपना बैंडलैब का एक्सपीरियंस बताइए। अभी ये लोग इसलिए फ्री दे रहे हैं बिकॉज इनका नया सॉफ्टवेयर है, तो ये लोग अभी नया नया आया हुआ है, तो वो लोग इसलिए इसके कारण फ्री दे रहे हैं क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं इनका सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं। तो जब तक हम लोग इनको इनका फीडबैक नहीं देंगे, तब तक इनको सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं चलेगा जो गलती है क्या है। तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेटा वर्जन है। तो मैं इसमें ना गिटारिस्ट हूँ, कीबोर्ड हूँ, ड्रमर हूँ मैं, वोकलिस्ट मैं कभी कभी कर लेता हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ मैं, यस। तो हाँ, कीबोर्डिस्ट भी थोड़ा बहुत मार लेता हूँ यार, और अदर कंटिन्यू मार लेते हैं हम लोग। हाँ, डीजे भी हूँ मैं। मेरा फेवरेट जॉनरे मतलब होता है दोस्तों स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो रॉक मेरा फेवरेट है, इलेक्ट्रॉनिक फेवरेट है,
और पॉप तो सबको पसंद ही है, हिप हॉप, R&B भी मुझे पसंद है, मुझे ब्लूज़ बहुत पसंद है, जैज़ पसंद है, फॉक पता नहीं अभी कौन सा फॉक ये लोग पूछ रहे हैं, लैटिन ज़्यादा ये नहीं है मेरा इसमें, रेगे पसंद है, कंट्री पसंद है और क्लासिकल भी मुझे पसंद है, फंक फॉक और लैटिन मुझे मालूम नहीं है, सब मैं इसमें डाल देता हूँ अभी। नेक्स्ट, अभी हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड, आप शुरू कैसे करना चाहते हो, एक छोटा सा वीडियो दिया इन लोगों ने, तो मैं ये अभी वीडियो देखना नहीं चाहता, मैं सीधा ही स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, नहीं तो हमारा क्या है ट्यूटोरियल का क्लासेस ज़्यादा ही हो जाएगा, तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट देखते हैं क्या देते हैं हमको इधर। अरे वाह, देखने तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ये जो बैंड लैब जो है ऑनलाइन, ये इंटरनेट के बिना नहीं चलेगा, ये ऑनलाइन ही चलेगा, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो है आप देख सकते हो ब्राउज़र में खुला हुआ है, देख सकते हो आप, तो ये एक्चुअली ब्राउज़र सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है, तो ये स्टैंड अलोन नहीं है जैसे FL स्टूडियो और ये सब है, जैसे स्टैंड अलोन होता है वैसा नहीं है। तो अभी देखते हैं इधर इधर इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम मशीन है, वॉइस माइक गिटार बेस और लूप्स भी है इधर, इंपोर्ट ऑडियो और मिडी, तो हम लोग पहले इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते इसको, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है इधर, ट्रैक दिया हुआ है, ये ऑलमोस्ट FL स्टूडियो की तरह दिख रहा है, आपको देख लीजिए आप, ये इंटरफेस जो है FL स्टूडियो की तरह ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, और लॉजिक प्रो एक्स भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट, फिर भी हम लोग ज़रा कोशिश करते हैं इसको खेल के देखते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये कीबोर्ड का जो है हमारा माउस, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो हमारा जो है माउस बोल रहा हूँ, हमारा जो नॉर्मल टाइपिंग कीबोर्ड है उससे भी हम खेल सकते हैं, तो थोड़ा लैग हो रहा था मेरे को, ऐसा फील हो रहा था लेकिन मुश्किल नहीं। तो अभी इधर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ, इधर हम लोग अभी ड्रैग अ लूप और ऑडियो मिडी इनटू द फाइल, अभी इसमें हमें देखने कि हम इसमें कैसे हाँ क्रिएट रीजन, अभी मैंने राइट क्लिक किया तो इसमें क्रिएट रीजन दिखा रहा है, ये सेम लॉजिक प्रो इसका स्टाइल है, तो हम लोग इसमें रीजन क्रिएट कर सकते हैं, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो कैसे बड़ा करें, ये चीज़ है इधर जो देखिए, कभी भी नया एक सॉफ्टवेयर मिलता है तो हम लोग को टाइम लगेगा, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग चेंज करते हैं शायद, तो मैं इसको लिख देता हूँ पियानो, ठीक है। अभी इसको अगर मेरे को एडिट करना है, मैंने डबल क्लिक किया इसको, तो इसको एक्सपैंड कर दिया, और ये जो है जूम इन जूम आउट है इसका, क्या बात है, ये सेम ऑलमोस्ट अपना उसकी तरह है, तो इधर अभी एक छोटा सा एक कॉर्ड मैं बना देता हूँ, ठीक है, आपको आप लिख लिया, मेरा फेवरेट कॉर्ड है ए माइनर, तो मैं ए माइनर मैं डबल क्लिक किया तो ये ए का ए, और ये मैं डाल रहा हूँ वन बार, ये हो गया मेरा एक बार इधर तक, ठीक है, तो इसको मैं माइनस कर दूँ। अभी मैं अगर इसको वर्टिकली जूम आउट करना है तो कैसे करूँ वो मुझे पता नहीं चल रहा, वो बहुत कुछ सीखने को है इसमें, तो ये थोड़ा देख लेता हूँ, आप मेरे साथ रहना, क्या बात है, और मैं एक ई माइनर का कॉर्ड बना लेता हूँ, एंटर मारने से वापस चला जाता है, सेम लॉजिक प्रो में भी ऐसी है, मुझको बहुत सिमिलर जो है लॉजिक प्रो की तरह दिख रहा है, मैं प्लस और माइनस कर रहा हूँ, कुछ इसमें हो नहीं रहा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस में मेरा एक्चुअली ब्राउज़र जूम हो रहा है, तो कंट्रोल का भी नहीं है इसमें, मेरे को जूम और जूम आउट जो है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल जूम हो रहा है, वर्टिकल जूम के लिए ऑप्शन क्या है मुझे मालूम नहीं, इधर देखना पड़ेगा क्या है वर्टिकल जूम का, इधर कहीं पे भी मुझे दिख नहीं रहा जूम का ऑप्शन जो है, राइट क्लिक करूँगा तो भी कुछ आ नहीं रहा है मुझे, तो एनीवेज अभी ये बना लेते एक कॉर्ड और ज़रा हम इसका साउंड देख लेते हैं, तो मैंने अभी बनाया है ए माइनर ई माइनर और एक जी मेजर जी, और वापस मैं एक ई ए माइनर बना लेता हूँ, अभी हम खेल के देखते हैं, क्या बात है, आवाज़ तो मुझे अच्छा लग रहा है, और ये अभी खेल रहा है हमारे जो 120 टेम्पो पे, टेम्पो भी इधर ही है, 4x4 टाइम सिग्नेचर है, मेट्रोनोम ये होना चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स हर चीज़ में मेट्रोनोम जो देखने में है उसका ऐसे होता है,
मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उसको जरा बंद कर देता हूँ दोस्तों। अभी आप खेल के देखते हैं एक और बार क्या हो गया भाई। अभी इसको कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल ए मैंने दबा दिया है, सब कॉपी हो गया शिफ्ट में। अगर बाकी सब इंस्ट्रूमेंट का तरह होगा तो कॉपी नहीं हो रहा है, ये शिफ्ट पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल ए, इधर एडिट है, ज़रा कॉपी, इसमें एडिट में भी कॉपी नहीं आ रहा है। नहीं सॉरी, मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है, वो थोड़ा चीखा अभी। इधर कॉपी पेस्ट का कुछ नहीं आ रहा यार, इधर कैसे है ये देखते हैं। एनीवेज अभी जितना हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा स्पीड कम करें तो देखते हैं कितना स्पीड में होता है, और चेक करते हैं। सेटिंग्स में अगर इसका ऑडियो सेटिंग्स है कुछ है वो मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली जो है ब्राउज़र से चल रहा है। तो मैं ज़रा सेव कर लेता हूँ पहले प्रोजेक्ट, देखते हैं अभी आगे और क्या क्या है इसमें। रिवीजन सेव्ड, ओके। ऐड नोट, अच्छा इधर भी हम लोग कर सकते हैं ऐड नोट, सेम ठीक है। और ये क्या है, एडिट नोट वेलोसिटी, ठीक है ये ऐड नोट के लिए है, तो हम लोग इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैं अभी बेसिकली एक और नोट इधर ए का जो है बना लेता हूँ, और उसके बाद मेरा ई का नोट जो है सी डी ई, और फिर जी जी जो है इधर बना लेता हूँ मैं। इसको डिलीट ऐसे कर सकता, राइट क्लिक किया मैंने तो डिलीट हो गया वो। तो ये तीसरा जो है मेरा इधर है, इसको बड़ा कर सकते हैं कि नहीं बड़ा कर सकते, इसके बिना नहीं कर सकते। तो ये है मेरा फोर्थ बार जो है वापस ए। अभी इसका शॉर्टकट्स अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख ही रहा हूँ इसको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरा हेडफोन्स पे, अब वो पता नहीं क्योंकि इसमें हम लोग का जो सिलेक्शन है मुझे मिल नहीं रहा ऑडियो का। तो ये कहाँ पे आ गया, वो डी में चला गया। ठीक है सी ए, ये क्या था हमारा, ई माइनर था, तो ई ये इधर जी भी आ सकता है एक्चुअली, एक जी भी डाल देता हूँ मैं, जरा चेक कर लेता हूँ थोड़ा इधर ई एफ जी। तो सेलेक्ट करके ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग। मैं देख रहा हूँ जैसे मैं जैसे काम करता था लॉजिक में उसके हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप लोग देखना कि क्या क्या इसमें हो रहा है। अगर अभी इसमें मेरे को एडिट करना हो, अभी इसको मुझे कॉपी करना है, आरपीजीओ जैसा बनाना, कैसे कॉपी करते हो, ये नहीं हो रहा है, शिफ्ट दबा के नहीं हो रहा है, तो ऑल्ट दबा के देखते हैं अभी दोस्तों। हाँ ऑल्ट ऑल्ट दबा के हो रहा है ये। अब इसको जूम करेंगे हम और देखते हैं इसको। एक और बार, अभी मैं चाहता हूं कि ये जो नोट है एक इधर आ जाए। कंट्रोल जी में वो निकल जाता है। तं 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 तं, तो इसको ठीक है ये डिलीट कर देता हूँ मैं, यही चाहिए मुझे।
तो दोस्तों जब गाना बनाते तो ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत चेंजेस आते रहता है, अभी देखते हैं। और इसका लूप होगा इधर, ये वाला लूप हो सकता है, अभी हम खेल के देखते हैं। ठीक है, अभी एक और ट्रैक बना लेते हैं हम। ये डाउनलोड क्या दिखा रहा है इधर देखते हैं, ट्रैक्स डाउनलोड मिक्स डाउन एडिट डब्ल्यू सेटिंग्स ऐड ट्रैक ये रहा। तो ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंट ही बजाना हमको, एक और इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं अभी क्या इंस्ट्रूमेंट कहाँ से सेलेक्ट करें हम लोग। प्रीसेट ये सब एफेक्ट्स है, और अभी इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ले वही देख रहा हूँ मैं। ये एक हाँ इधर है इंस्ट्रूमेंट, देखिए आप इधर पियानो है इधर, वाओ इधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, स्ट्रिंग्स है, लीड्स है। तो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं इस बार, तो उसमें भी बहुत सारे ये है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा लगा मुझे। अगर मुझे ये कॉपी करना है तो सेम चीज़ मैं इधर लेके आके इसको कॉपी कर सकता हूँ और नीचे लेके आ सकता हूँ और ज़रा खेल के देखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर वाला ऑक्टेव में हो, तो इसको मैं ज़रा ऊपर ले गया था। अभी तो मैं तो पूरा कंपोजिशन करना ही शुरू कर दिया दोस्तों, अभी देखते आहा। तो ठीक है, एक और इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं हम लोग, और एक इस बार हम लोग लेंगे थोड़ा मज़ेदार वाला एक ड्रम्स। ठीक है, तो ये रहा एड ट्रैक, और इस बार हम लोग ड्रम ले लेते हैं, देखते क्या है इनके पास ड्रम के अंदर इंस्ट्रूमेंट। ये रहा ड्रम मशीन, और ये जरा 808 किट। तो मैं चेक कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरे साथ रहना। ले लेते जरा इसको और ट्राई कर लेते हम लोग जरा। और मैं चाहता हूँ कि इधर थोड़ा इसको ये दो दो क्यों आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद ये 8 बार का होगा इसलिए होगा। मुझे अगर ये कट करना है तो मैं कैसे कट करूँ अभी इसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो हम लोग को टाइम लगेगा कर सकते हैं। अभी मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, अभी ज़रा चेक देख लेते हैं ज़रा। माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना, माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आ गया यार। अभी आप देख सकते हो मेरा आवाज़ एक्चुअली इधर ये इधर आ रहा है इनको, और रिवर्ब मेरे को नहीं चाहिए, पैनिंग है इधर, मिक्सर का सेटिंग दिया हुआ है, ऑडियो डिवाइस 1 लिया हुआ है जो है मेरा डिफ़ॉल्ट इनपुट, वेरी गुड। चैनल 1 पे जा रहा है ये, ओके, और चैनल 1 ठीक है, और मॉनिटरिंग भी कर सकता हूँ। अभी मुझे मेरा आवाज़ वापस सुनाई दे रहा है इधर, वेरी गुड। थोड़ा डिले है लेकिन अभी पता नहीं, वो सब हम लोग चेंज कर सकते हैं। एनीवेज मैं अपना नॉर्मल इसमें से मैं कर रहा हूँ, अभी हम लोग ये ज़रा रिकॉर्ड करके देखते और मज़ा देखते दोस्तों। क्या बात है, दिस इज डीजे नियर इन द हाउस, यो केक वॉक, कमा कमा कमा। अरे वो कहाँ चला गया, अभी वो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था उसके ऊपर चला गया। यार एक और बार करके देखते हैं, पता नहीं वो कैसा होगा, एक मिनट। यो व्हाट्स अप, दिस इज डीजे नियो इन द हाउस, दिस इज डीजे नियो, टेस्टिंग केक वॉक। तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, अभी हम लोग सुन के देखते हैं। ठीक है, यो व्हाट्स अप, दिस इज डीजे नियो इन द हाउस, DJ Neo, test cake walk। थोड़ा डिले विले आ रहा है मेरे को, लेकिन अभी इसको कैसे हम लोग
ठीक कर सकते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें। तो मेरे साथ रहना दोस्तों, मैं आप लोग के लिए देख रहा हूँ कि ये एडिटर है और एडिटर में अभी लिरिक्स, नोट्स, लूप्स, कोलाब्रेशंस, मिडी मैपिंग, कट नहीं, कंट्रोल जी कट नहीं करने का, ऐसा कट नहीं, स्लाइस करने का। ओ ओके, कंट्रोल जी, इधर से हम लोग स्लाइस कर सकते। अगर मेरे को स्लाइस करना है, इसको इधर लेके आके, अगर मेरे को ये पोजीशन नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस, तो ये हो गया स्लाइस। अभी मेरे को ये वाला जगह नहीं चाहिए तो मैं इसको स्लाइस कर सकता हूँ इधर से। इसको लेके आया मैं और राइट क्लिक कर दिया और ये कर दिया स्लाइस, और इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। क्या बात है यार, मजा आ गया। Yo, what's up? This is DJ Neo in the house. अभी इसको इधर से भी मैं थोड़ा, मज़ा आ रहा है एक्चुअली दोस्तों थोड़ा इस पर खेलने में। क्या बोलूँ मैं, एक मिनट, इसको भी थोड़ा स्लाइस कर लो, क्योंकि मेरा ये जो टाइमिंग था थोड़ा गलत हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा स्लाइस कर रहा हूँ, देखते हैं अभी। Yo, what's up? This is DJ Neo in the house. Test a cakewalk, test a cakewalk. ये थोड़ा पीछे हो गया, तो इसको थोड़ा आगे हो गया एक्चुअली, इसको थोड़ा मैं आगे करता हूँ। थोड़ा आसानी कम है इसमें ये काम करने में, लेकिन आप लोग कर सकते हो। अब इधर से, Yo, what's up? This is DJ Neo in the house. Testing cakewalk, testing cakewalk, testing cake. सही है। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये जो है मैंने अभी ये पियानो रोल कैसे अभी बंद करे यार, हाँ ये इधर से बंद हो गया। तो अभी हमारे ड्रैग लूप एंड ऑडियो, हम लोग लूप और ऑडियो भी हम लोग इधर ले के आ सकते हैं, और अभी एक और ट्रैक बना के देखते हैं। चलो अभी हम लोग है इधर, वॉइस, गिटार है, बेस है, ब्राउज लूप्स, लूप्स देख लेते हैं इनके पास क्या क्या है। अरे मेरा नाम आ गया इधर यार, नियो सोल ड्रम्स। देखते हैं क्यूबन रिदम, अरे बहुत सारे इसमें। ओ इसको डबल पैक किया, मैंने डबल क्लिक किया तो ये आया एक्चुअली क्यूबन रिदम का। तो हम लोग तो ये डबल क्लिक किया तो अब ये लोड हो रहा है। तो ये देखो 108 bpm का है, हमारा 90 bpm का है। तो देखते हैं 90 bpm का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो वापस चलते हैं हम लोग रीसेट लूप पैक्स में, देखता हूँ कुछ अपना सबसे कुछ हो। ऐसे एक डाल के देखते थे, ये 120-125 bpm का रहेगा ये। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हमको, ये देखिए अपना उसके हिसाब से फॉर्म हो रहा है, और ये आई थिंक बीपीएम टेम्पो के हिसाब से लेना चाहिए। यो व्हाट्स अप, दिस इज डीजे नियो इन द हाउस। ये लूप कर सकते हैं इधर से हम लोग, ऊपर से करेंगे तो ये लूप कर सकते हो। यो व्हाट्स अप, दिस इज डीजे नियो इन द हाउस। टेस्टिंग केक वॉक, टेस्टिंग केक वॉक, टेस्टिंग केक। यो व्हाट्स अप, this is DJ Neo in the house. Testing cakewalk, testing cakewalk, testing cake. Yo, what's up? This is DJ Neo in the house. तो actually ये जो loop है क्या बोल रहा है कि इसके साथ tempo के साथ बैठ रहा है, same अपने FL Studio बोल रहा हूँ, Logic Pro में भी same ऐसे ही है, ये उसके साथ बैठ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, ये ब्राउज़र सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है।
तो ब्राउज़र सपोर्टेड सॉफ्टवेयर में एक्चुअली ये होता है कि इसका जो है बिना इंटरनेट के बिना हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इंटरनेट ज़रूरी है। फ्री सॉफ्टवेयर है लेकिन इंटरनेट का होना ज़रूरी है। वाइड वैरायटी तो नहीं है लेकिन हम लोग म्यूज़िक बना सकते हैं इसमें, जो भी है हम लोग इसमें म्यूज़िक बना सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे गराज बैंड है, लॉजिक प्रोमो उसी की तरह एक सॉफ्टवेयर है। तो जो नया नया सीख रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा कि थोड़ा बहुत अपना हाथ थोड़ा लगा ले इसमें और सीख ले। तो होपफुली शायद ये किसी लोग को फ़ायदे करेगा। मैं यूज़ तो नहीं करूँगा इसको मैं, बिकॉज अपने पास ऑलरेडी FL स्टूडियो है। मैं जब एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो उसमें मैं माहिर होना चाहता हूँ। तो अगर आपके लिए पैसा वैसा नहीं है आपके पास लेकिन इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप इसमें काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपके पास हाथ में फ्री में मिले अभी फ़िलहाल, अगर आपके पास पैसा नहीं है मतलब पढ़ाई करने के लिए, तो आप इसमें भी सीख सकते हो। तो शुरू कीजिए अगर आप करना चाहते हो तो। फ्री का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत हमारे प्रेषक ने बताया था कि एक वक्त फ्री है तो मैंने आपको दे दिया। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना चाहते हो तो मैं रीपर का भी जो है एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं डाउनलोड करके, तो वो अलग वीडियो में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए, जाके सीख लीजिए और कोशिश कीजिए इधर उधर जाके, और मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नए लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना।